दौसा जिले में अनेक किसान हैं और अनेक किसानों ने बगीचे लगा रखे हैं, लेकिन अब की बार बगीचे में आंवले का फल आया है जो नुकसानदायक किसानों को बना रहा है। यहाँ किसान बड़ी मात्रा में आंवले के बगीचे हैं और किसानों के बगीचों में आंवले की बम्पर पैदावार हुई है, जिसके चलते किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ किसान आंवले को बेच भी नहीं पा रहे हैं और पिछली रेट के चलते आधी रेट भी किसानों को अब की बार नहीं मिल पा रही है। एक किसान का कहना है कि पिछली बार 3 लाख रुपए में आंवले बेचे थे बगीचे से, लेकिन अब की बार 1.5 लाख रुपए में बेचे हैं और उन्हें भी लेने के लिए कोई भी व्यापारी नहीं आ रहा है। इससे लेकर दौसा जिले के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। अब की बार बम्पर आंवले की खेती हुई है और बम्पर आवक के कारण किसान भी परेशान है, सस्ते दामों में भी अपने आंवले की खेती को नहीं बेच पा रहे हैं। इस बार तो काफी नुकसान हो रहा है आंवले में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल हमने 3 लाख रुपए में दिया था हमारा बगीचा इजारे में, इस बार मैंने 1.5 लाख में दिया और 1.5 लाख में आधा पैसा मैंने एडवांस में ले लिया। उसके बाद भी उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा, आपका पैसा जो आधा है जो आप रखो और मैं तोड़ने नहीं आऊँगा, आप जानो आपका काम जानो। क्या कारण हो सकते हैं? कारण मौसम की मार तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मार्केट में भाव ही नहीं है, यानी पिछले साल से जो है 1/3 भाव रह गए, माल लेने को कोई तैयार नहीं है। अब टाइम भी निकल गया, वैसे तो दिसंबर और जनवरी में आंवला टूटना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं तोड़ा और माल खराब हो रहा है, नीचे गिर रहा है सारा, तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है किसान को। ये